How are you? I hope you all are fine. Today I am going to teach you about English grammar. English grammar में आज हम कुछ basic knowledge सीखेंगे, जैसे कि vowels and consonants. Vowels और consonants क्या होता है? जो हम जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, वैसे ही हम लोग इंग्लिश में आज vowels और consonants करेंगे. उससे पहले हम लोग alphabet पे study करेंगे. ये हमारे alphabets A to Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ये तो हमने नर्सरी से लेके अभी तक में स्टडी किए अल्फाबेट्स. अब इन अल्फाबेट्स में हमारे कुछ वर्ड्स भी एडेड है. अब इन वर्ड्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू. ये वर्ड्स हम लोग किस तरह से हेल्प करते हैं साउंड बनाने में. जो हम लोग वर्ड्स को बोलते हैं, जैसे कि हिंदी में हम लोग स्वर को और व्यंजन को ऐड करके शब्द बोलते हैं, उसी तरह हम लोग वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को ऐड करके लेटर्स को रीड करते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड वॉवल्स. ए का साउंड होता है ए, ई का साउंड होता है ए, आई का साउंड होता है आई, ओ का साउंड होता है ओ और यू का साउंड होता है अ. ये वॉवल्स हमने वॉवल्स के साथ कुछ लेटर वर्ड्स भी प्रोनाउंस किए. पैन, इसमें हमारे पास है ए का साउंड. पी ए एन मीन्स पैन, पी ई एन मीन्स पैन. यहाँ पे हमारा साउंड है पैन और यहाँ पे हमारा साउंड है पैन. पी आई एन पिन, ये हमारा आई का साउंड है. पी ओ टी पॉट. एन यू टी नट, नट में हमारा साउंड आता है अ का. एन यू टी नट. अब ये साउंड तो हो चुके हैं हमारे वॉवल्स के. अब इनमें आपको कुछ डिफरेंस भी देख रहा होगा कि कॉन्सोनेंट भी इनको सब एडेड है. तो पी एन पेन, तो इसमें हमारे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की हेल्प से हमने वर्ड्स फॉर्म किए. चलो स्टूडेंट्स, अब हम एक एक्सरसाइज लेते हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि वॉवल्स कौन से. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने कुछ सर्कल किए जो हमारे वॉवल्स हैं, और अगर आपको यहाँ से स्टडी नहीं हो रहे तो आप इस फिगर को भी देख सकते हैं. सो फर्स्ट हमारा वर्ड है फिश, एफ आई एस एच. इसमें हमारा वॉवल कौन सा होगा? चलो यहाँ पे मैं कुछ अंडरलाइन करती हूँ. जो हमारा वॉवल होगा उसे अंडरलाइन करेंगे और उसे यहाँ पे बाहर लिख देंगे. सेकेंड रैबिट, इसमें ढूंढो कि कौन सा होगा हमारा वॉवल साउंड. आर ए डबल बी आई टी. सो इसमें हमारा साउंड है ए एंड आई, तो हम बाहर लिखेंगे ए एंड आई. नेक्स्ट है कैट, कैट में हमारा साउंड कौन सा है ए. सो उसे हम अंडरलाइन करते हैं और बाहर लिख देते. नेक्स्ट है हमारा डॉग, डॉग में हमारा साउंड कौन सा है ओ, उसे भी हम बाहर लिख देते. नेक्स्ट है हमारा टीचर, टी ई ए सी एच ई आर. यहाँ पर हमारे कुछ मोर वर्ड्स भी है, जैसे कि यहाँ पर ई है, ए है और अगेन ई है, तो हम उसको रीड करेंगे ए टी एंड टी. बी है, बी ई ए आर. अगेन हमारे पास टू वर्ड्स ई एंड ए, हम उसे भी बाहर लिख देते हैं. हॉर्स, एच ओ आर एस ई, इसमें भी हमारे टू वर्ड्स हैं ओ एंड ई. बर्ड, यहाँ पे हमारा सिर्फ वन वर्ड है आई. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट.
वोवेल साउंड किसको बोलते हैं जो हमारा साउंड प्रिपेयर करने में या स्टडी करने में आपको हेल्प करते हैं। अब हम जाते हैं सेकेंड एक्सरसाइज में, उसमें हमें कॉन्सोनेंट फाइंड करना है। जो मैंने वर्ड्स यहाँ लिए थे वही मैंने वर्ड्स यहाँ लिए, हमने उसमें वोवेल्स फॉर्म किया था, अब हम इसमें कॉन्सोनेंट फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट अस डू इट। यहाँ हमारा फर्स्ट वर्ड है फिश, FISH। हमको सिर्फ कॉन्सोनेंट पे ही फोकस करना है, अब हमें वोवेल्स को नहीं देखना। फिश FISH। अब फिश का F वो है हमारा कॉन्सोनेंट S एंड H। आई हमारा वोवेल था जिससे हमने उसको नहीं पकड़ा। नेक्स्ट है रैबिट, RABBIT। इसमें भी हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट ही देखना है, वोवेल्स को नहीं देखना। सो RBBIT। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैट। अगेन कॉन्सोनेंट कौन से है, टू कॉन्सोनेंट है CNT। नेक्स्ट डॉग, DOG। उसमें भी हमारे टू कॉन्सोनेंट है DNG। नेक्स्ट टीचर, TEACHER। उसमें भी हमारे कितने कॉन्सोनेंट है, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट बियर, बियर में हमारे कितने कॉन्सोनेंट है, B एंड R। नाउ नेक्स्ट हॉर्स, HORST। इसमें भी हमारे कितने कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट, HR एंड S। नाउ नेक्स्ट बर्ड, BIRD। बर्ड में भी कितने कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट, BR एंड E। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि व्हाट इज कॉन्सोनेंट। अब हम आपको कुछ वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे, उसको आपके पेरेंट्स के हेल्प लेके और उसे घर पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।